ऐसा एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो जैसी कवि बोलना शुरू करता था तो एक आदमी आगे खड़ा हो जाता था। तो उस कवि को लगा यार ये मेरे से कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो रहा हूं मैं, और मेरे को पता नहीं मेरे शुरू होते ही ये तो खड़ा होता है। तो जैसे ही उसने दोबारा कविता शुरू की वो फिर खड़ा हो गया। तो उस कवि ने कहा भाई साहब आपको मेरे से कोई समस्या है? तो उसने कहा आपसे कोई समस्या नहीं है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेकर आया है। निवेदन है थोड़ा सा आगे ध्यान रखें प्लीज। मैंने ये बात क्यों कही, आपको क्यों बैठना है, जिंदगी में अच्छा टीचर बनना है तो पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। हम गलती क्या करते हैं, बीच मीटिंग में उठ के जाते हैं, कभी प्यास लग रही है, थोड़ा गर्मी लग रही है, बाहर निकले। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये गर्मी पिछले साल थी, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल थी, और आपको हर साल लगती है, लग रही है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, 5 साल तक 3 घंटे की ये गर्मी सहन कर लेना, 7 पीढ़ियों को कभी गर्मी नहीं लगती। बंगला एसी होगा, कार एसी होगी, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा, जिस फ्लाइट में चलोगे सब कुछ एसी होगा, क्यों गर्मी लगेगी? लेकिन ये 3 घंटे की गर्मी सहन करोगे तो मेरा आपसे निवेदन है अच्छे स्टूडेंट बने। मैं आज भी अच्छा स्टूडेंट हूं, जब कोई मीटिंग करता है वो किसी भी लेवल पे मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, कुछ मेरे को नया मिलेगा। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट नहीं बने तो ध्यान रखना जीवन में अजीबो गरीब टीचर बन जाओगे। यू नो अजीबो गरीब टीचर, मैं बताऊं, इसी तरह की एक क्लास चल रही थी, एक लड़का आता था क्लास में और पीछे बैठता था, और पीछे बैठने के बाद वो कभी टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनता था, और बैठ के भी बातचीत करता रहता था। बहुत लोग देख रहे हो इस मीटिंग में भी बातें करते रहते हैं। अब उसने जब कभी टीचर की बात ध्यान से सुनी नहीं तो उसको ज्ञान तो था नहीं, लेकिन एक दिन वही लड़का योग से टीचर बन गया, क्योंकि भारत में ले देके सब कुछ संभव है। अब उसको ज्ञान नहीं था पर टीचर बन गया। अब पहले दिन क्लास में आया, सारे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों को बोलता है बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दो। बच्चों ने कहा पूछिए सर, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? सुरेश जी कह रहे ज्ञान नहीं था उसको, रियल में ज्ञान नहीं था, ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में, इससे उम्र का क्या लेना देना। लेकिन वह एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा सर मैं बता सकता हूं आपकी उम्र, हाथ खड़ा किया उसने। टीचर बोले बताओ, बोले सर आप 40 साल के हो। टीचर बड़े खुश हुए, बोले वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो मैं 40 साल का ही हूं। उस लड़के ने कहा सर मेरा एक दोस्त है 20 साल का है, आधा पागल है। आप समझ गए, अजीबो गरीब टीचर नहीं बने। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि आप और हम सब एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए यहां आए। तो हम बात कर रहे थे कुछ, बहुत कुछ पाना है, कुछ होना पड़ेगा, तो 5 साल के लिए कर सकते हैं। और मैं कहता हूं अपने 20 घंटे मत बिगाड़ना, केवल ये 4 घंटे जो खराब जा रहे हैं इसको आरसीएम को दो, सिर्फ 4 घंटे 5 साल लगातार। तो बात करें 5 साल की, क्या है ये 5 साल का प्लान? अभी आपको किसी ने प्लान दिखाया था, शुभ नाम आपका रमेश जी ने, बैठे धन्यवाद। रमेश जी ने हमें एक प्लान दिखाया, मैं थोड़ा सा उसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। रमेश जी ने दिखाया एक कस्टमर, एक कंपनी, बीच के कुछ मिडलमैन लोग। रमेश जी ने बताया जो चीज आपको 100 में मिलती है 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, बीच का 45 इन में चला जाता है।
पूरा डेमो दिया। फिर उन्होंने कहा बीच के लोगों को हटा दिया, कंपनी ने डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट दिया, बीच का पैसा एक सिस्टम के तहत इसमें बांट दिया, इसको बोलते हैं डीएसपी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से उत्तर देना। जो चीज आप दुकानदार से खरीदते हो उसको दुकानदार नहीं बनाता, ये आप नहीं जानते थे पहले से? जानते हो। दुकानदार आगे से खरीदता ये भी आप पहले से जानते हो। ये जो बीच का पैसा है ये आपका है, ये भी आप पहले से जानते हो। इसी पैसे से ये लोग अमीर हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। इनको मिल गया इसीलिए आप गरीब रह गए, ये भी आप पहले से जानते हो। तो फिर मीटिंग एंड करें। सब जानते हैं। बहुत सोचने का विषय है और आज इस विषय को समझ के जाना। ये रेशो जिंदगी भर से सुन रहे हो, 80-20, 80 गरीब है 20% अमीर है, सुन रहे हो? 10 साल पहले क्या सुना था? 20 साल पहले? 50 साल पहले? 50 साल पहले दूध का क्या रेट था, आज क्या रेट है? 50 साल पहले पेट्रोल का क्या रेट था, आज क्या रेट है? सब चीजें बदली है, ये नहीं बदला। सब चीज बदली है। 30 साल पहले 500 रुपए में पूरे परिवार के कपड़े आ जाते थे, आज एक बच्चे का जींस 500 में नहीं आता। फिर ये क्यों नहीं बदला? ये भी होना चाहिए था कि अभी 30 अमीर हो रहे, 70 गरीब हो रहे, चलो अमीर बढ़ रहे, 60 अमीर हुए, 40 गरीब हुए। अरे कुछ तो बदलता, पर ये बदला नहीं। मैं बताता हूं आज आपको क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये बदलना ही नहीं चाहते। ये 80% तो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। और देखना, भारत का आदमी कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, ये दूसरों पे आरोप लगाता है। अभी किसी से पूछना, आप आजमगढ़ में जो साइकिल का रिक्शा चलाता है उसको पूछना, गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ। तो उसने रिक्शा खरीद के दिया इसको। बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन, जिंदगी के जिस चौराहे पर आज आप खड़े हो उसका कारण आप स्वयं हो। जिस भी चौराहे पर खड़े हो, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण आप हो। आपका बैंक बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। आपके घर में कार नहीं है, कारण आप हो। आपका बड़ा बंगला नहीं है, कारण आप हो। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण नहीं, मैं कैसे हूं भाई? तो सोच के बोलो, आपकी पत्नी के पास गहने नहीं, कारण मैं हूं? आप। और मैं इस बात को कहने में छोटा महसूस नहीं करता अपने आप को, मैं 19 साल पहले गरीब था कारण मैं था, और आज मैं अमीर हूं कारण मैं हूं। क्योंकि जो प्लान आज आपको बताया गया, यही 19 साल पहले मेरे को बताया गया था। मैं इसी प्लान से अमीर बना हूं। नहीं बताया गया था मैं गरीब था, नहीं पता, जिसको कोई समस्या नहीं है, पता लग गया, और उसके बाद 10 साल बाद क्या हूं, मैं गरीब हूं, तो कारण आप हो। ये पता है समस्या क्या है? समस्या इतनी सी है, बस आज समझो। आप इस 80 में से 20 में आना चाहते हो या नहीं, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। चाहते हो? मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, योगेश चौक। ये हो गया, कितनी देर लगी? क्या लगता है ये गेम आसान है? आसान नहीं है, संभव है। आसान नहीं है, आसान हो जाता सब कर जाते, संभव है, किया है लोगों ने, ये यहीं से निकल के गए। समस्या क्या है ये जाना नहीं चाहते, ये समझने को तैयार नहीं है। समस्या समझा आज क्या है? 80 के साथ
समझे? यस। आप किसी जानवर को पानी में डालना, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, आप डाल दो उसको, वो पता है क्या करेगा? पानी के बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद झाड़ दिया अपने आप। क्यों झाड़ लिया? वो उस नहर के किनारे था और आप जा रहे थे, आपने पकड़ के डाल दिया, तो उसने क्यों झाड़ लिया? उसका इनडायरेक्ट मैसेज है आपको, क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा, क्या बिगाड़ लिया तूने मेरे को पानी में डाला गीला करने के लिए, और मैं बाहर निकला जैसा था वैसा हो गया। ये मीटिंग आज है, पिछले महीने आए थे राकेश शर्मा जी, अगले महीने 15 मई को आ रहे हैं गोयलका जी, तो फिर ये बार बार मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है? मैं बताऊं समस्या क्या है। आप मीटिंग में आते हो, सब समझते हो, सब देखते हो, सब, और हॉल के बाहर निकले केवल ये समस्या है। अभी जिनको सुरेश जी ने बुलाया, जो रॉयल्टी थे, टेक्निकल थे, अभी जिनको जो नए हुए हैं उनको आज हम बुलाएंगे, कहां से आए? ये उसी भीड़ का हिस्सा थे सब, हम सब आज के कुछ साल पहले उसी भीड़ का हिस्सा थे, बस ये था कि जो बताने वाला आया था हमने उसकी हर बात को अंदर जाने दिया, और 5 साल तक हमने अपने आप को झाड़ा नहीं, सब अंदर जाने दिया, इसलिए आज हम यहां हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अंदर जाने दे आप। तो यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा, जैसे ही आप इस सिस्टम में आओगे, सबसे पहले यू आप 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100%। अगर आप इसका 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते तो आप अभी इस सिस्टम में मत आना। अब प्रश्न आता है क्यों यूज करना चाहिए? मैं बताऊं क्यों यूज करना चाहिए? आपके दादाजी की उम्र लगभग 100 के आसपास रही होगी, जितने लोगों के दादाजी 100 के आसपास रहे वो हाथ खड़ा करो, बहुत लोग हैं 100 के आसपास रही, पिताजी की 80 के आसपास रही, वो लोग जिनके पिताजी नहीं है वो हाथ खड़ा करें, मेरे पिताजी 82 ईयर के, वेरी गुड। आपके बारे में सरकार ने 60 डिसाइड कर रखा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कह रही है 60 साल अगर जी लो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो तो फिर पैसा कमा के करोगे क्या? 40-45 के हो गए, पैसा आएगा इधर से बहुत, और उसके बाद डॉक्टर कहे तैयारी है, क्या करोगे पैसा कमा के? यहां तो पैसे की बरसात है डायरेक्ट सेलिंग मेथड में। तो सबसे पहला हमारे बुजुर्गों ने कहा है, पहला धन निरोगी काया। तो आपके पास पैसा बहुत आए तो मेरा ये निवेदन है, इस प्रोडक्ट को खाओ, आप नेचुरल 100 साल जियोगे। आज आपको पता है 60% लोग इंडिया में ओवरवेट है, 60% किसी का पेट यहां, किसी का यहां, किसी का तो इतना पेट भार है कि उसको चाय ले जाके दो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता। और उसके बाद पता है वो गर्व करता है अपने आप पे, पेट भार है ना, उसको कहे यार भाई ये क्या हाल बना, खाते पीते परिवार से है, पेट नहीं है, ये कुपोषण का शिकार है। मैं दूंगा डॉक्टर की फीस, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो आपको पेट देखने कह देगा, इस दुनिया से 20 साल पहले जाओगे, पहली 60 को सरकार कह रही है, 20 और पहले गिरीधर करने क्या आए थे? ये क्यों बाहर हो गया? भारत में 80% लोगों के पेट का डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, और डाइजेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको 56 बीमारियां जन्म लेंगी, डाइजेशन ठीक है आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और मैं कहता हूं गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड जो कंटिन्यू आरसीएम का खा रहा है उसका कभी डाइजेशन बिगड़ ही नहीं सकता।
समझे? सुबह उठने के बाद पानी पीते ही आपने बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 मिनट बाद बाहर आ गए, आपका डाइजेशन राइट है, कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। और ये 80% का नहीं, ये 20 का है। 80 का क्या है वो आप समझो। उठा, पानी पिया, बाथरूम साइड देखा, फिर पत्नी बोलता एक चाय बनाओ, चाय चाय बनाओ, एक चाय पी, थोड़ा सा टहला, फिर 3 मिनट बाद कड़क बनाओ, एक कड़क कड़क बनाओ, आदि बनाना के कड़क बनाओ, वो पी ली, फिर आखिरी में जब देखता है तो बाथरूम भी यही बोलता है, मैं भी यही इंतजार कर रहा हूं तू आएगा कब। ये 80% का हाल है भारत, और अंदर बैठ के फिर निकलता नहीं। बच्चे का स्कूल का टाइम हो रहा है, ये दरवाजा बजा रहा है, बच्चा और पापा बाहर निकलो, बोला मैं 5 घंटे से बाहर था, तेरे समझ में नहीं आया, मैं अंदर आया, तेरे अभी स्कूल आया। 80% की हालत है। अगर उस बीमारी से निजात पाना चाहते हो, इसका 100% प्रोडक्ट यूज करो। ये बाल पहले 40 साल के बाद सफेद होते थे, अभी 40 तक कंप्लीट घूमता है। मैंने कहा था ये नेचुरल है, ये यही कारण है मैं आरसी का 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं, और मैं सिद्ध करूंगा आरसीएम में कि आरसीएम का 100% प्रोडक्ट खाने वाला आदमी 100 साल जीता है। उठा सकते हैं? यस। आप इस प्रोडक्ट को खाने के बाद अच्छा लगता है तो लोगों को बताएं। किसको बताना है? जो भी आपको आदमी जैसा नजर आए, लगना चाहिए आदमी है। आपका काम है बताना, एक को बताओ, दो को बताओ, तीन को बताओ। जब इस चीज में आप प्रवेश करोगे तो आपको एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, नो। यस। और यही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है, यही आपके मॉरल को डाउन करता है, क्योंकि आप चाहते हो फील्ड में जाने के बाद जिसको प्लान दिखाओ क्या बोलना चाहिए, यस, और बोलता है नो। तो आज ये नो यस के गेम को समझ लें। यस। समझे? yes. हर आदमी की जिंदगी में ऊपर वाले ने कोटा फिक्स कर रखा है, जब वो चीज पूरी हो जाएगी तो वो मिलनी बंद हो जाएगी। जिनको शुगर होता है ना, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका कोटा 50 साल भी पूरा हो गया, इन्हें जो 70 साल में शक्कर खानी थी 50 तक खा गए। ऊपर वाले ने कहा कोटा कंप्लीट, अब आपको सुगर चालू। ऐसा ही जिंदगी में आपको ये दोनों गेम मिलेंगे, जिस दिन नो का कोटा पूरा हो जाएगा उस दिन केवल यस मिलेगा। और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मेरे को 19 साल आरसीएम में हो गए, मैंने अभी तक 1,50,00,000 लोगों को आरसीएम की बात की। कितना? 1,50,00,000। और मेरे साथ पता है कितने आए? 25,00,000। 1,25,000,000 नहीं आए। यहां लीडरशिप अचीवर है? लीडरशिप अचीवर यहां कई रो में आसपास? सुनील जी, सुनील जी
आरसीएम में लगभग कितने लोगों ने आरसीएम के लिए आपको मना किया? 200 लोग। धन्यवाद सुनील, बैठ। 200 लोगों ने सुनील जी को आरसीएम के लिए मना किया। ये अभी लीडरशिप में रॉयल्टी अचीवर है कोई यहाँ आसपास? हाँ, कितने लोगों ने आरसीएम के लिए मना किया आप लोगों को? लगभग लगभग 500। धन्यवाद। 500 टेक्निकल अचीवर है या कोई आसपास? टेक्निकल अचीवर गुप्ता जी, कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया? 2000 से ऊपर। ध्यान से देखना, 200 ने मना किया, लीडरशिप हो गई। 500 ने मना किया, रॉयल्टी हो गई। 2000 ने मना किया, टेक्निकल हो गया। 1.25 करोड़ ने मना किया, सफायर हो गया। आपसे पूछता हूं, ये घाटे का सौदा है कहां? ये तो जितना मिल रहा है पिन बढ़ रही है। ये कोटा जल्दी से जल्दी पूरा करो। जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा नो मिलेंगे, जितनी ज्यादा नो मिलेंगे उतनी जल्दी आपकी पिन की तैयारी है। अब ये कोटा 2 साल में पूरा करो या 2 महीने में पूरा करो, ये आपके हाथ में बात है। मैं एक एक दिन में 5-5 प्लान दिखाता था, 5-5 गांवों में। सुबह 6 बजे निकलता था, रात के 2 बजे घर आता था। बस मेरा एक ही टारगेट था, कोटा जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने रॉयल्टी का कोटा 7 महीने में पूरा कर लिया। 7 महीने में सैकड़ों लोग मेरे को मना कर चुके थे, मैं 7वें महीने रॉयल्टी बना, 15वें महीने टेक्निकल बना, 5वें साल स्टार मूवी बना, अभी सफाई। तो घबराना नहीं है, ये चलेगा। इस तरह ये सिस्टम आगे काम करता है। अब आपको लोगों की यह मदद करनी है। अगर आपको लगता है करनी चाहिए तो करनी है, फिर इनकी मदद करके ये संगठन को आगे बढ़ाना है। इसको बोलते हैं नेटवर्क, यानी नेट माने याद, वर्क माने काम। लेकिन जो लोग इसको नहीं समझते वो इसको अलग ही नाम बोलते हैं। गांवों में तो पता है इसको क्या बोलते हैं? जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी। कुछ लोग तो इसे दिखा दिखा के आरसीएम के प्लान को इतने फेमस हो गए कि दूर से गांव वाले कह देते, देखना ये जो आ रहा है ना, अब जोड़ेगा, अब जोड़ेगा। आता था इसी ने जोड़ा, ये पता नहीं कहां से आता है, इधर लोगों को जोड़ के चला जाता है। तो अब जब वो आदमी सुनता है जोड़ा जाड़ी का काम, तो उसका ईगो हर्ट करता है, क्योंकि लोग उसको कमेंट्स करने लग जाते हैं। क्या अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, ये कहां जोड़ा जाड़ी में फंस गए? इंजीनियर थे आप, अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, ये कहां जोड़ा जाड़ी में? तो उसका ईगो हर्ट करता है, सोचता है यार ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, गर्व महसूस करना। जब आपको कोई ये कहे जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, तो उसको गर्व से कहना, हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूं। और अगला जवाब देना, इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम वो करता हूं। आप जितने आरसीएम में, कौन किसके रिलेशन में था? कोई किसी का रिलेशन नहीं था, लेकिन हमने एक अजनबी आदमी को जोड़ के एक परिवार से अच्छा रिलेशन बनाया है। कल संजीव जी हमारे साथ थे, जब हम मिर्जापुर से आ रहे थे, बबलू जी, सुरेश जी, तो अभी परसों एक घटना घटी हमारे ग्रुप में। स्टार पर बाइक से आ रहा था, हेलमेट नहीं पहन रखा था और बाइक पे टांग रखा था, ब्रेकर कूदी तो वो हेलमेट हैंडल के बीच में आ गया, उसने हैंडल नहीं घूमने दिया, वो स्टार पर गिर गया और पीछे घसीट के छेद खुल गया और ब्लड बहुत बहा, वो नहीं बचा इस दुनिया में। बहुत दुख हुआ और मैंने ये बात इनको कही कि इतना दुख एक अपनी रिश्तेदारी में किसी के जाने से नहीं होता जितना एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर इस दुनिया से जाता है, ये दुख होता है। क्यों? यहाँ उससे बहुत परिवार के रिश्ते बन जाते, एक अजनबी आदमी से जिसको हम जानते हैं। तो ये काम अच्छा है, कर सकते हैं। yes! जब ये आप स्टार्ट करोगे, 3 तरह से ये कंपनी पैसा देगी। कितनी तरह से? 3 तरह से। 32
परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और ये एक बार नहीं बहुत बार होगा। और उस समय आप सोचोगे काम अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग बोलते हैं नौकरी करनी चाहिए, कम से कम 25,000 सैलरी फिक्स तो है। पर ये ध्यान रखना, ये फिक्स है, फिक्स लगा है इसके आगे सब। क्या 25,000 के आगे 6 महीने बाद एक जीरो लग जाएगी? ये रिटायर्ड हो जाए तो इसको 2.5 लाख नहीं मिलेंगे, और जीरो तो छोड़ो, इस कोरोना में कई जीरो हट गई, और इस कोरोना में जीरो ही नहीं, कहीं कहीं तो अगला फिगर हट गया, उन्होंने कहा जीरो ही बची है, देख लो इच्छा हो तो रहो। 45 करोड़ सर्वे है भारत का, 45 करोड़ जॉब छीने इस कोरोना में। लेकिन इस सिस्टम का कमाल देखो, इस कोरोना में इसने लाए सैकड़ों अचीवर तैयार किए। इस कोरोना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कल हम संदीप जी के साथ उनका कंस्ट्रक्शन का काम था झारखंड में, तो वो कह रहे थे सर मेरा 45 लाख अभी भी अटका हुआ है, सब कहानी खत्म हो गई। लेकिन आरसीएम में ये सारे सीनियर जानते हैं, कोरोना में 20 साल के टर्नओवर का रिकॉर्ड आरसीएम ने तोड़ा है इस कोरोना के। ये चलेगा, ये क्यों चलता है आज इसको समझो। पहले कितने लोगों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, रोहित जी आपने तो बहुत बार दिया और सब जगह आ भी गया नंबर, आप टेंशन लेते किधर करो। अच्छा इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? नहीं नहीं क्या मानना है? आईक्यू चेक कर लिया तो आप अपनी मार्कशीट ले गए ना पूरे कई साल की, ये 99% बने उसी से है, आईक्यू अच्छा था। वो ये देखता है करंट में आईक्यू क्या है, आज क्या है, अभी जो मैं तुम्हें 25,000 दूंगा महीने के, तो क्या तुम इस लायक हो? अब प्रश्न आता है इसमें कौन चेक करे, क्योंकि आरसीएम में कोई बॉस है नहीं। और मेरे को इस आरसीएम में इसीलिए दो बात बहुत अच्छी लगती है, एक तो इसमें बॉस नहीं है, सेकंड लॉस नहीं है। ना तो इसमें बॉस है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है जिसने कहा आजमगढ़ जाना है। कई महीने से मेरे को बोला जा रहा था आजमगढ़ जाना है, मैंने कहा अभी इच्छा नहीं है, जब इच्छा होगी मैं चला जाऊंगा। तो यहां क्या होता है समझो इस चीज को आप, अभी गर्मियों में ये महिलाएं मिट्टी का बर्तन खरीदती है पानी पीने के लिए, क्या बोलते हैं उसको इधर आजमगढ़ में, गड़ा सुराही, कितने रुपए की आती है? 40, 100, अच्छी लोग 150। देखना जब आप लोग सुराही खरीदते हो या घड़ा खरीदते हो, बजाया क्यों बजाया? कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है? नो, आप उस घड़े को इसलिए बजाते हो कि मैं इसके 150 रुपए दे रहा हूं, ये 150 के लायक है या नहीं। तो जब एक घड़े को 150 रुपए के बदले आप 50 बार बजा के देखते हो, आरसीएम आपको करोड़ों रुपए देगा, ये भी यहां आपको 100 बार बजा के देखेगा कि आप करोड़ कमाने के लायक हो। ये पूछो इनमें से उसने किसको नहीं बजाया, मैं गवाह हूं 3 साल तक बजाया और थोड़ा बहुत नहीं बहुत तबीयत से बजा। आज भी मैं जब उस सीन को याद करता हूं ना, मेरी आंख में कई बार पानी आ जाता है, रोंग आंख उठते मेरे, जब ये दिसंबर और जनवरी की ठंड होती है ना, मेरे पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं इन शर्टों के नीचे अखबार लपेट के इस बिजनेस को करता था। पहले अखबार लपेटता था, फिर शर्ट पहनता था, तब मैं करता था। 100 किलोमीटर जाने के बाद मेरा ये हाथ नहीं खुलता था, ऐसा ही रह जाता था ठंड में, चाय नहीं पीनी होती थी,
पर गर्म करने के बहाने में जबरदस्ती चाय पीता था। और मैं सोचता था, मैं मेरी मिसेज को बोलता था शायद मैंने गलत ट्रैक चूज कर लिया। लेकिन मेरी मिसेज ने कहा कोर्स 5 साल का है, पूरा करो। और मैं एक चीज आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ऊपर वाला जिसकी परीक्षा ज्यादा लेता है उसको फिर सफलता बड़ी देता है। ये नियम है, बस डटे रहना। रह सकते हो, इसके बाद आएगी जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, अपने आगे वाला जा रहा है, जिसके अंदर आपका शरीर काम कर रहा है, जब तक करेगा पैसे आएंगे। पैसिव, आपका शरीर इस दुनिया में ना भी रहे तो 7 पीढ़ियों तक पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये 3 तरह के लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर। चौथी देता है आपसे। अब प्रश्न आता है ये 3 क्यों नहीं दे सकते, ये गॉड गिफ्टेड है। ये क्या है, गला? आपका क्या है गला? लता मंगेशकर जी का क्या था? गला। पर वो जब उस गले से गाती थी रॉयल्टी आती थी, आती है। आप और हम गाएं टमाटर आ सकते हैं, रॉयल्टी तो छोड़ो। क्यों? ये सबको नहीं मिलता, ये गॉड गिफ्टेड है। माइंड आपका भी है, माइंड हमारा भी था, माइंड एडिसन का भी था, उसने आविष्कार कर दिया, उसके आज हर पीढ़ी को रॉयल्टी मिलती है। आप लिखो, मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा, दुनिया ने पढ़ा, रॉयल्टी मिलती है। आप और हम लिखे, घर वाले नहीं पढ़े। क्यों? ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। पर आरसीएम बोलता है मेरे साथ 5 साल डटे रह जाओ, मैं अनपढ़ आदमी को रॉयल्टी अचीवर बनाऊंगा। तो चाहिए रॉयल्टी? फार्मूला दे। पहला, एक तो किसी की मीटिंग मिस नहीं करना। 15 मई को संजीव गोयनका जी की मीटिंग है आपके आजमगढ़ में, 15 मई, जिनको वेस्ट बंगाल का टाइगर बोला जाता है। अब प्रश्न आता है मीटिंग में आना चाहिए नहीं, कब तक आना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं सर 20 मीटिंग सुन ली मैंने, ये कब तक सुननी पड़ेगी? पहलवान बनना है दूध कब तक पीना पड़ेगा? 10 दिन या 2 महीना? हमेशा जब तक पहलवान रहना है दूध पीना पड़ेगा। तो जब तक आपको आरसीएम डायमंड नहीं पहुंचा दे, जब तक आपको आरसीएम की मीटिंग में आना पड़ेगा। बहुत लोग आरसीएम की मीटिंग सुनते सुनते बोर हो गए, कुछ लोगों को नींद आने लग जाती है। अरे सर क्या वही बताएंगे, वही कंपनी, वही कस्टमर, वही रॉयल्टी, वही लिटिल सिंह। वो 10 बार मीटिंग सुन के कहता है सर अब बोर हो गए, बोर। क्यों बोर हो गए? सर रोज एक जैसा बताते, बदलना चाहिए ना रोज। घर में बच्चा है, रोज बदलता है। बोर नहीं हुए अभी तक उससे? कभी देखते नहीं पत्नी बोल हुए आज 20 साल से ये मौकी हुई। जिन चीजों को आदमी दिल से प्यार करता है उनसे कभी बोल नहीं होता, कभी बोल नहीं होता। जिस दिन आपका इस बिजनेस से दिल लग गया, मैं दावे के साथ बोलता हूं उस दिन वो चेयर आपकी नहीं, ये स्टेज आपका होगा। मीटिंग में आना है, आ सकते हैं? सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है और आज मैं बहुत थैंक्स देता हूं इन महिलाओं को कि बहुत अच्छी संख्या में आज आजमगढ़ में ये है, तो एक बार इनका वेलकम होना चाहिए। और जिस फैमिली के साथ ये आई है
उनकी पिन का मैं गारंटी लेता हूं। क्यों? इस सिस्टम में सबसे ज्यादा विरोध ही पत्नी करती है। जितना डिस्टर्ब पत्नी करती है इस सिस्टम में, इतना वो भी नहीं करता। क्यों? दुनिया को समझाना आसान है। क्या समझाओगे पत्नी को आप? वो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर आज तक नहीं बने। क्या समझाओगे? और मैं ये बात पता क्यों कह रहा हूं? मैं मुक्त भोगी हूं, मैं इस दौर से निकला हूं। समझे ऐसा क्यों होता है? फैमिली रिपोर्ट नहीं निकला। देखो, हम पता है फैमिली को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? हम सोचते हैं सरप्राइज देंगे पत्नी को, सरप्राइज, थोड़ा सा काम कर लो और थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाएगा ना 6 महीने में। और जैसा भी किसी को बुलाया था 2 महीने में 4,500, तो बोले थोड़ा 10,000 का चेक बनेगा ना, तो पत्नी को बताएंगे। तो वो बनने देगी 10,000 तक का, तो बताओगे ना? अभी यहाँ बहुत लोग 100 किलोमीटर से आए, 200 से आए, 500 से आए, 1,000 किलोमीटर से भी आए, मैं जानता हूं, मेरे पास फोन आ रहे थे। अब जो 200 किलोमीटर से आया है, अब इसने सोचा भी पत्नी को नहीं बताना आरसीएम। तो सुबह ये नहाया, कपड़े उपड़े पहन के इसने सेंट वेंट लगाया। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? तो इसने अपनी भावना व्यक्त कर दी, एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। बात तो सही है, बात तो इसकी भावना ठीक थी, पर इसने नाम नहीं बताया क्योंकि ये सरप्राइज देना चाहता था। अब ये आया मीटिंग में, मीटिंग में आते ही अलार्म हुआ, जिंदगी बदलना चाहते हो मोबाइल स्विच ऑफ करो। अब इसने मोबाइल ऑफ कर लिया, पत्नी को कोई काम पड़ा, उसने फोन किया, आवाज आई जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। फिर उसको याद आया कहां गए हैं और क्या कह के गए हैं, एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। जाना घर, वापस जाना आज। अब पता है क्या हुआ? उस पत्नी को डाउट हो गया, दिन में स्विच ऑफ, सेंट लगा कर गए। वो हर मिनट कॉल करेगी आपको, हर मिनट, और हर मिनट एक ही आवाज आएगी जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो मोबाइल स्विच ऑफ। क्या लगता है? उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और ये कहा गया, पूछना बुजुर्गों की कहावत है, अगर महिला को डाउट हो जाए या वहम पड़ जाए तो उसकी दवा हकीम लुकमान अली के पास नहीं थी। और उसको हो गया, डाउट हो गया। अब जब रात को आप आए 200 किलोमीटर से, मीटिंग के बाद पहुंचोगे 11 बजे, जैसे ही 11 बजे घर में इंटर हो गए, एक कांपती हुई आवाज सुनाई देगी, उसका तो गुस्सा 7,000 रुपए। रात के 11 बजे कहां से आ रहे हैं? अब जब उसका कॉन्फिडेंस अप होगा, आपका डाउन हो जाएगा। जैसे वो कड़कती आवाज आएगी रात के 11 बजे का अंदर, लोग एक साल में रॉयल्टी पहुंच रही है, उसी रात पहुंच गया। लोग को एक साल बाद उसी रात पहुंच गया। अब इसका एम्प्लॉई बड़ा खुश था, आजमगढ़ वाला, कि यार क्या कमिटेड बंदा है, 200 किलोमीटर से आया और 20 लोगों को लेकर आया। तो सुबह ये फोन करेगा आजमगढ़ वाला, किसको? जिसकी रात को रॉयल्टी फाइनल हुई है। तो पता है क्या आवाज आएगी? जिस उपभोक्ता को आप बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फैमिली को इन्वॉल्व ना करके। आप आरसीएम के प्रोडक्ट तो देखो, ये सारी पसंद ही फैमिली की है।
आप मार्केट की चाय ले आओ, अगर फैमिली इन्वॉल्व है वो मना कर देगी मेरे को आरसीम की चाहिए, और फैमिली इन्वॉल्व नहीं आप आरसीम की ले आओ वो कहेगी मेरे को वो ही चाहिए रेड लेवल। आप कहोगे नहीं नहीं ये यूज करनी पड़ेगी, बोले फिर आप ही बनाओ आरसीम की, आप बनाओ क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं। आप फैमिली के बारे में सोचो, ये सिस्टम किस चीज का है? सपनों का। डायरेक्ट सेलिंग मेथड किस चीज का है? सपनों का बिजनेस है। सपने बड़े किसके होते हैं कभी सोचा आपने? पुरुष के सपने जहां खत्म होते हैं ना, महिला वहां से सपने देखना शुरू करती है। समझे थोड़ा? कितने लोग अपना पैंट शर्ट खरीदते हैं मार्केट से, स्वयं की ड्रेस, इधर हाथ खड़ा करें, लगभग सभी खरीदते हैं। आपको 5 ड्रेस खरीदनी है, कितनी? दुकानदार कितनी ड्रेस दिखाए जो 5 ड्रेस? 7, 8, 10, 12, 15। तो पता लग गया आपका सपना कितना बड़ा है। 15 दिखाई, 5 ले आए। जितनी आप ड्रेस देखते हो इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ किसका सपना बड़ा है? उतनी तो ये दुकान देखती है, और उस दुकान पे भी 15 ड्रेस नहीं, जितनी ड्रेस है सब देखती है। अब वो साड़ी की दुकान है, उसकी दुकान में 60 साड़ियां हैं। भैया अपनी साड़ी दिखाओ। अब वो देखना आपका तो पैंट शर्ट कलर से, इन्हें वो पूरा डिजाइन दिखाता है खोल के। एक दिखाई और दिखाओ, दूसरी, ढेर हो गया साड़ियों का। अब उसको गुस्सा नहीं आएगा, 60 की 60 बखेर दी, एक भी पसंद नहीं आई। गुस्सा आता है, बोलता इसलिए नहीं, अभी महिलाओं पे कानून सख्त है। गुस्सा आता है, और जब उससे गुस्सा सहन नहीं होता तो पता क्या बोलता है? बहन जी कपड़े ही खरीदने आए थे। तो बहन जी भी गुस्से में, नहीं नहीं तेरे यहां सब्जियां मिलती हैं। बोले बहन जी 60 साड़ियां दिखा दी, दुकान खाली हो गई, पसंद नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा उसको दुख इस बात का नहीं है नहीं खरीदी, उसे दुख इस बात का है कि अब 60 को समेटेगा कैसे, ये ऊपर नीचे दबी है। तो फिर वो सोचता है चलो बोनी तो हो जाए। फिर बोलता है बहन जी अगर लेने ही है तो रात को एक 20 साड़ियों का पार्सल आया, घर पड़ा है, कहो तो स्टाफ का लड़का भेज के मंगाओ। हाँ मंगाओ मंगाओ। अब वो 20 भी आ गई। बहन जी अच्छी है, दूसरी खोल, ये भी 20 खोलती। तो फिर वो पता हाथ जोड़ के क्या बोलता है, बहन जी इसके अलावा कुछ नया नहीं, बस ये फर्नीचर जरूर पिछले महीने नया बनवाया था, बाकी यही है, अब आप जा सकते हैं। अब जब वो बहन जी उतर के जाती है ना, तो ये साड़ियां नहीं समेटता, उनकी तह नहीं करता, ये जो दुकान के आगे कोटला होता है इस पे खड़े होकर बहन जी को देखता है, और जैसी बहन जी 5 दुकान छोड़ के छोटी में चढ़ती है ये खुश हो जाता है, अपना एक भाई और पकड़ा गया। हाँ जिसका इतना बड़ा सपना है उसको आप आरसी में नहीं है। और आपके बिजनेस को जब भी बड़ी पिन दिलवाएगी मैं गारंटी से बोलता हूँ वो आपकी पत्नी ही दिलवाएगी। एक कड़वा सच बोले कर सकते हो? जो लोग कहते हैं मेरे को आरसीम की जरूरत नहीं है, ये कड़वा सच उनके लिए है। भारत में 80% महिलाएं आज भी अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती हैं। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। पति बेचारा बना दिए ना, ये फैक्ट है। 80% महिलाएं इच्छा से नहीं पर ये गर्व करके घूम रहा, जरूरत नहीं है मेरे को आरसीम की, उस महिला से तो पूछ। और क्यों रह रही है? भारत के संस्कार में बनी है, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है
देखना, पिता बार बार बोलता है, माँ बार बार बोलती है, बेटा कुछ भी हो रहना वही है। अगर उसको उस समय ऑप्शन दे दिया जाता, जब तक अच्छा लगे रहना। क्या लगता है आते सिंगल होते? और फिर भी लगता है आरसीएम की जरूरत नहीं है, तो एक बात आज मेरे कहने से अपनी पत्नी से पूछना और एकांत में पूछना। क्या पूछना? यहां से जाने की बात, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? क्या लगता है? वो जवाब नहीं देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वो भारत के संस्कारों में बनी है, पर वो मन मन जरूर सोचेगी, ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले में भी हुई। जिंदगी में कुछ ऐसा करना, ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूं, मैं हमेशा प्रैक्टिकली बात करता हूं जो मेरे साथ गुजरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कभी दर्द सुनने को मिला नहीं आपको, मेरे को मिला है। जब मैं आरसीएम में नहीं था, पता मेरी पत्नी क्या बोलती थी? अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूं। ये लाइन आपने कभी सुनी नहीं, इसलिए आपको दर्द का पता नहीं। तो मैं उसको पूछता था, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? ये जीवन है तुम्हारा, किराए का मकान, 2075 की नौकरी, बच्चे का एक टाइम का दूध नहीं आता, एक टाइम उसको बिना दूध के समझाना पड़ता है। लगता तो था कि अगर पत्नी ऐसा आपसे बोल रही है कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूं। लेकिन आज इसी सिस्टम की देन है, कभी मिलेगी वो पत्नी, कई बार आती है मेरे साथ मीटिंग में। अभी वो क्या है, एक बड़ा घर बना रही है, 5वां उसके रहने के लिए, 4 है उसके पास ऑलरेडी, 5वां बना रही है बड़ा, 32,500 स्क्वायर फीट में। वो ये चाहती है कि बड़ा घर हो, उसमें ही सारी सब्जियां, फल, गाय पालना, उसी में सब। अब वो कहती है बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि आरसीएम इतना पैसा दिया है और भी देगा तो उम्र 100 साल जीनी है। तो आज वो पत्नी आरसीएम के बाद अब पता क्या बोलती है मेरे को, जब भी जन्म हो आपके साथ होना चाहिए। स्टेटमेंट बदल गया, और ये बदलने की ताकत केवल आरसीएम देता है। चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनना, इस सिस्टम में अपना दिमाग मत लगाना, माइंड नहीं लगाना। जो अप्लाइंग कह रहा है वो पत्थर की लकीर है। पहला रॉयल्टी, मीटिंग में आना है और उन लोगों को लाना है जिनको अभी भी विश्वास नहीं है आप पर, उनको सुनवाओ ये मीटिंग, अगले महीने 15 को है, उनको फिर भी विश्वास ना हो तो उनको भीलवाड़ा में 11-12 जून को सुरेश जी ने एक बहुत बड़ी अकेडमी का आयोजन किया है, उनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा देख के भी उनको विश्वास ना हो तो उनको इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, और उसके बाद भी उनको विश्वास ना हो तो आजमगढ़ आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ।